ये तो गंदी राजनीति इन लोगों ने सब सीखा ही है, और कांग्रेस बराबर से जो है इस प्रकार की गंदी राजनीति कर रही है, और कांग्रेस का तो सफाया होना ही है पूरी तरह से, और उसके साथ जो ये दोनों सनम हैं उनके बाएं दाएं ये भी जाएंगे। बिहार में कल कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सोने की मुकुट से उनका स्वागत किया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से नदारद दिखे। तो ऐसे में अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पूरी तरह से हमलावर हैं, और सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये गंदी राजनीति जो है वो कांग्रेस करती है, लेग पुलिंग की आदत जो है वो कांग्रेस की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरह से जदयू ने एमपी में 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं और 5 और उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे तो हमारा ही फायदा है, हमारा कोई नुकसान नहीं, और ये लोग तो शून्य पर जाएंगे, कांग्रेस तो बाहर चली जाएगी, कहाँ जाएगी, दिखेगी भी नहीं। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले हम आपको सुनाते हैं। मतलब एक दूसरे का लेग पुलिंग, ये तो गंदी राजनीति इन लोगों ने सब सीखा ही है, और कांग्रेस बराबर से जो है इस प्रकार की गंदी राजनीति कर रही है, और कांग्रेस का तो सफाया होना ही है पूरी तरह से, और उसके साथ जो ये दोनों सनम हैं उनके बाएं दाएं ये भी जाएंगे। सर, एमपी में इंडिया गठबंधन से अलग जदयू ने अपने 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं, इंडिया गठबंधन के अलावा जदयू ने खुद अपने 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं एमपी में। सर, जीरो में रहेंगे क्या भाजपा को नुकसान? मैंने कहा जीरो में रहेंगे, कोई नुकसान नहीं हमें, और उसका लाभ भी मिलेगा कि ऐसे लोग जिनका कोई वहाँ नाम भी नहीं जानता है, ऐसे लोगों को देने से कोई इनको ना लाभ मिलने वाला है, हमें पूरी मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2/3 बहुमत से लाने के लिए संकल्प ले लिया है। सर, चल रहा है इंडिया एलायंस के लोग जो हैं फिलिस्तीन के युद्ध में जो है फिलिस्तीन को सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह फिर बता रहे हैं, फिलिस्तीनी आतंकवादियों की तुलना भगत सिंह। मैं वही कह रहा हूँ, इन्हें सद्बुद्धि दे, किस प्रकार से एक राष्ट्रभक्त का नाम उन आतंकवादियों के साथ जोड़ना इनके दिवालियापन का परिचायक है। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस राजद को लेकर जोरदार निशाना साधा, और साफ कहा कि आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये शून्य हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन में राजद जदयू कांग्रेस सभी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद जदयू ने एमपी में 10 उम्मीदवार उतार दिए हैं, 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, और 5 और उम्मीदवार की लिस्ट आने बाकी है, यानी कि 15 उम्मीदवार जो है वो जनता दल यूनाइटेड उतार रही है। तो ऐसे में अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि इससे तो हमारा और फायदा है, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बीच जो है ऐसी टूट विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। भले इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि हम लोकसभा के लिए गठबंधन बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर विधानसभा में अलग अलग उतरेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा इसका फायदा उठाएगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।